तो आई होप कि आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। इसमें करना क्या था अपने को, ये तीन लाइंस दे रखी है और हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है ना। टाइप ऑफ ट्रायंगल मतलब ऐसे समझ लो कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, है ना, इनमें से कौन सा कैसा होगा ट्रायंगल। तो देखो मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू चलो देखते हैं किस तरीके से। देखो सबसे पहले तो मैं इसमें लाइंस बना रहा हूं। देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लाइन ऐसे बन जाएगी। ये देखो ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे इस वाली लाइन पे तो 4/3 आएगा और ये इंटरसेप्ट 4 आएगा। सिंपल सी बातें हैं, इस पे इतना बेसिक पे तो जाने की जरूरत है नहीं। फिर मैं ये वाली लाइन प्लॉट कर रहा हूं तो इसका भी नेगेटिव स्लोप है, तो ये लाइन कुछ ऐसे प्लॉट हो रही है। देखो ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये दूसरी वाली जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट 4/3 आएगा, आसानी से आप देख सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट आएगा इस वाली लाइन पे, वाई को 0 रखो तो एक्स 4 आएगा। ये देखो ये दो लाइन बन गई। और जो तीसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन वो है x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ये बोलूंगा कि ये वाली जो लाइन थी इसका स्लोप कितना था, -3। ये देखो जैसा कि आपको पता है कि जब अगर मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करता हूं तो मान लो 2 स्लोप की लाइन ऐसी है तो 3 स्लोप की कहां जाएगी, इधर बेंड होगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव स्लोप की बात करें तो मान लो -2 की ये है तो -3 की लाइन कहां जाएगी, इधर, और -1 की किधर जाएगी, इधर। मतलब अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन इधर बेंड होगी, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन इधर बेंड होगी। और अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जैसे 4 से 5 हो गया स्लोप, 4 से 7 हो गया तो 4 से 7 इधर बेंड कर गई लाइन। या फिर मान लो -5 से -8 हो गया तो -5 से -8 दोनों लाइन नेगेटिव स्लोप की है लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो -5 इधर है तो -8 इधर है, या -8 इधर है तो -5 इधर है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये जो लाइन बनाई इसका स्लोप कितना था, -3। ये देखो इसका स्लोप कितना है, -1/3। तो अब सोच के देखो मुझे तीसरी लाइन बनानी है जिसका स्लोप -1 हो, तो -1 स्लोप की लाइन कैसी होगी। अगर आप इसके मुकाबले बात करो तो ये -1/3 है तो -1 मैग्नीट्यूड बढ़ा तो लाइन इधर बेंड करेगी, इसके मुकाबले इधर बेंड करेगी और इसके मुकाबले इधर बेंड करेगी। क्या क्लियर है, मतलब जो y इज इक्वल टू -x लाइन होगी ना वो इसके मुकाबले तो इस तरफ जा रही होगी थोड़ी सी, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको आगे मीट नहीं करेगी क्योंकि इसका स्लोप -1 है, इसका -3 है, तो -3 मतलब ये और ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे कुछ। ठीक है, और ये देखो यहां पे आके ऐसे इंटरसेक्शन होगा क्योंकि ये -3 है और ये -1 है, -3 स्लोप की लाइन इधर की तरफ बैंड होगी और ये -1 स्लोप की। ये देखो आपका ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपको बताना ही है क्यों। देखो ये जो मैंने स्लोप वाली बातें बताई ना, अगर किसी को स्लोप्स पे कंफ्यूजन है कि -5 -7 को किस तरीके से कंपेयर करेंगे लाइंस की प्लॉटिंग के दौरान, तो वो बेसिक्स एक बार अपने आप प्रिपेयर कर लो पहले और फिर ये चीजें काफी इजी लगेंगी। अब ये ट्रायंगल कोई देखते ही बता सकता है ये कैसा है, ये एंगल कैसा है एक्यूट, तो ये कैसा ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज से ट्रायंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को करने का, तो ऑब्ट्यूज आपका आंसर आ गया सिर्फ डायग्राम बनाते। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि हम इसका एक रफ डायग्राम बना लें, ये रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस हटा दी। अब ये पहली लाइन है, मान लेते हैं ये वाली लाइन है, इसका स्लोप -3। फिर एक ये वाली लाइन हो गई, मान लेते हैं ये, इसका स्लोप कितना है, -1/3। और फिर एक ये वाली लाइन, इसको मान लेते हैं M3, इसका स्लोप -1। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये एंगल्स क्या है, इन एंगल की वैल्यू क्या है। मतलब अपन एक कंसेप्ट को ही कवर कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स के स्लोप्स पता है अगर, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उस पर बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आप इन तीनों स्लोप्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, है ना। जैसे अगर अपन यहां पे बात करें
तो माइनस थ्री सबसे छोटा है, चलो मैं इसको एम टू कर लेता हूं और इसे एम थ्री कर लेता हूं, जिससे एम वन एम टू एम थ्री असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। आप देख सकते हो ये ऐसी कहानी बन रही है, एम वन इज लेस देन एम टू इज लेस देन एम थ्री, है ना। उल्टा भी कर सकते थे, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो एम थ्री इज ग्रेटर देन एम टू इज ग्रेटर देन एम वन। मतलब हमने क्या किया, स्लोप्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया किसी एक में। अब क्या करो, इन दो स्लोप्स के लिए टेन थीटा निकालिए, टेन अल्फा निकाला मान लो, ठीक है। तो टेन अल्फा कितना आएगा, एम थ्री माइनस एम टू, एम थ्री माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम टू एम थ्री, ठीक है। फिर टेन बीटा निकाल लो, तो टेन बीटा कितना आया, एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। फिर टेन गामा निकालो, टेन गामा, टेन गामा कितना आ जाएगा, एम वन एम थ्री की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम वन माइनस एम थ्री अपॉन वन प्लस एम वन एम थ्री। मतलब अपन साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर, एम थ्री माइनस एम टू, फिर एम टू माइनस एम वन, फिर एम वन माइनस एम थ्री, ठीक है। यहां पर अगर ये वैल्यूज तीनों की तीनों पॉजिटिव आ जाती हैं, तीनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं, तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि भाई पॉजिटिव अल्फा क्या है, टेन अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो अल्फा 90 से ज्यादा होगा, और अगर टेन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो अल्फा 90 से कम होगा। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, एक्यूट। तो हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों निकाले हमने, इससे मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ गया, तीन में से दो कैसे आ गए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आएंगे, एक्यूट, और एक जो नेगेटिव आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस। तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि एक तीनों में से एक अनडिफाइंड आ जाए, अनडिफाइंड मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कभी कि ये तीनों के तीनों नेगेटिव आ जाए, तीनों के तीनों नेगेटिव आ जाए, तीनों के तीनों नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा तीनों ऑब्ट्यूस हो गया, और ये बात तो गलत है, अल्फा बीटा गामा तीनों ऑब्ट्यूस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते भाई, इंटीरियर एंगल्स तीनों एंगल ऑब्ट्यूस कैसे होंगे। तो उस केस में आपको वो जो अल्फा बीटा गामा मिल रहा है ना, एक्चुअली वो इंटीरियर एंगल्स नहीं है बल्कि एक्सटीरियर एंगल्स है। तो अगर आपके अल्फा बीटा गामा एक्सटीरियर एंगल्स आए तो इंटीरियर एंगल्स क्या आएंगे, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, क्या क्लियर है पॉइंट। तो अगर मान लो तीनों के तीनों नेगेटिव आ गए तो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों ऑब्ट्यूस हो गए, तो ये ऑब्ट्यूस कौन से वाले एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्यूट, तो फिर से वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात करेंगे, मान लो इन तीन में से दो नेगेटिव आ गए, तो दो नेगेटिव आ गए तो फिर दो नेगेटिव मतलब अल्फा बीटा ऑब्ट्यूस हो गए, तो क्या एक ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, नहीं। तो फिर से अपन ये मानेंगे कि जो अल्फा बीटा गामा आ रहे हैं ये आपको ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स दे रहे हैं, ठीक है। ये जो अपन ने बातचीत की इसकी जेई मेंस में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हम इन बातों को हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर यूज करना पड़े, फिर भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू इसको कवर कर लिया एक बार। एक बार मैं फाइनली अगर रिपीट करूं तो किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर पता है तो अपन उनके स्लोप्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, और फिर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा इस तरीके से निकालें बिना मॉड्यूलस अप्लाई किए हुए। फिर ये तीनों पॉजिटिव आते हैं, तीनों नेगेटिव आते हैं, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा कि इंटीरियर एंगल्स एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है, ठीक है। अब जैसे इस प्रॉब्लम में बात करते हैं आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन फास्ट करो, जैसे एम थ्री माइनस एम टू अपन वन प्लस एम टू एम थ्री निकाला, कोई भी बता देगा कि एम थ्री एम टू से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि M2 और M3 दोनों नेगेटिव हैं, M2 M3 दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा M2 M3, तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया, दिख रहा है पॉजिटिव, ओके। अब इधर आ जाओ, M2 M1 से बड़ा है तो M2 minus M1 पॉजिटिव आएगा, M1 M2 भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि M1 और M2 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पूरा भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। इधर आ जाओ, इधर M1 M3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि M1 और M3 दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर आप M1 माइनस M3 करोगे तो M3 M1 से बड़ा है तो M1 माइनस M3 नेगेटिव आएगा, तो ये देखो नेगेटिव आ गया, ठीक है।
तो अल्फा बीटा गामा में अगर बात करें तो अल्फा कैसा आया? एक्यूट. बीटा कैसा आया? एक्यूट. और गामा कैसा आया? ऑब्ट्यूस. तो दो एंगल एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस. तो इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. क्लियर?